press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अगला एंड्रॉइड वर्जन होगा एंड्रॉइड पाई इन स्मार्टफोन्स में मिलेगा। सस्पेंस खत्म हो चुका है और अगले एंड्रॉइड वर्जन का नाम आपके सामने है एंड्रॉइड पी यानी पाई। ये नए वर्जन का अपडेट फिलहाल गूगल के स्मार्टफोन्स पिक्सल में ही मिलेगा। गले एंड्रॉइड वर्जन का नाम सामने आ चुका है एंड्रॉइड 9 पाई। गूगल ने इसे पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए जारी भी कर दिया है। गूगल के मुताबिक नए एंड्रॉइड वर्जन का फाइनल अपडेट पिक्सल फोन्स पर उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि फिलहाल ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल वेलबींग नाम के एक खास फीचर की वजह से भी चर्चा में है। एंड्रॉइड 9 पाई में डिजिटल वेलबींग एक डैशबोर्ड है जो जेस्चर आधारित नेविगेशन सिस्टम है। इसके तहत यूजर्स इंटरफेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर इम्प्रूव भी किया गया है। इसके अलावा इसमें नया स्टेटस बार और नॉच के लिए डिजाइन किया है। डिजिटल वेलबींग के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपके पास पिक्सल फोन होना जरूरी है और यह एंड्रॉइड पी पर ही चलेगा। अगर आप एंड्रॉइड बीटा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। गौरतलब है कि गूगल ने अपने डेवलपर कॉन्फ्रेंस दौरान एंड्रॉइड के जिन फीचर्स की बात की थी फाइनल बिल्ड में उनमें से सभी नहीं मिलेंगे, लेकिन पिक्सल यूजर्स को सभी फीचर्स अभी ही दिए जा रहे हैं। गूगल ने कहा है कि ऐसे स्मार्टफोन्स जो एंड्रॉइड पी बीटा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनमें भी चरणों में एंड्रॉइड 9 का अपडेट दिया जाएगा। इनमें शाओमी, सोनी, एचएमडी ग्लोबल यानी नोकिया, ओप्पो, वीवो, OnePlus और एसेंशियल स्मार्टफोन्स शामिल हैं। गूगल ने ये भी कहा है कि कंपनी कई पार्टनर्स के साथ काम कर रही है और इस साल बाद में इनमें भी अपडेट दिया जाएगा। पिक्सल के बाद इन डिवाइस में दिया जा सकता है एंड्रॉइड 5। Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 और Essential PH1. Adaptive Battery, ये फीचर आपके द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जा रहे एप्स और सर्विस के लिए खास तौर पर बैटरी का प्रबंध करेगा। इस तरह बैटरी के बेहतर मैनेजमेंट से स्मार्टफोन को ज्यादा देर तक चलने में मदद मिलेगी। Adaptive Brightness, ये नया फीचर अब मशीन लर्निंग का उपयोग करेगा। इस दौरान ये समझने की कोशिश करेगा कि यूजर्स अलग अलग सेटिंग्स में अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस कैसे रखना पसंद करते हैं। ऐप एक्शन, एंड्रॉइड पी में ऐप एक्शन फीचर दिया गया है जो ये प्रेडिक्ट करेगा कि आप अगला काम कौन सा करने वाले हैं, ताकि आप ज्यादा तेज और प्रोडक्टिव रह सकें। कंपनी ने उदाहरण के तौर पर बताया कि यदि आपने अपने स्मार्टफोन में हेडफोन लगाया तो ये खुद ब खुद आपका प्लेलिस्ट ओपन करके दे देगा। स्लाइसिस, ये फीचर उन एप्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देगा जिसका आप सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। डिजाइन चेंज, नए एंड्रॉइड पी में गूगल ने नए सिस्टम नेविगेशन के साथ यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाया है। इसमें रीडिजाइन किया हुआ क्विक सेटिंग मिलेगा, साथ ही वॉल्यूम कंट्रोल, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट और स्क्रीनशॉट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा भी गूगल ने नए एंड्रॉइड में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं।